हेलो फ्रेंड, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इनमें 5 मार्च को कोई भी तिथि नहीं है, 10 मार्च को भी मेरे ख्याल से कोई इंपॉर्टेंट तिथि नहीं है, और 12 मार्च को भी कोई इंपॉर्टेंट तिथि नहीं। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें मार्च महीने में, और मार्च महीने में हम 15 मार्च की बात करें, तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और वही एक दिन पहले 14 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसी तरह से अगर हम 21 मार्च की बात करें, तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व कविता दिवस, और ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। और अगर मार्च में हम जाने 21 मार्च को, तो 21 मार्च को रंग भेद उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और अगर जाने 23 मार्च के बारे में, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो मार्च महीने के कुछ महीने बताए आपको। 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस, 14 मार्च को जो मनाया जाता है वो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, और अगर हम 15 मार्च की बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसी तरह से 21 मार्च की बात करें तो विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, और अगर हम 21 मार्च में और एक बात करें तो रंग भेद उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे मार्च महीने में आ जाते हैं। ठीक है, 8 मार्च का यहाँ पे याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यही 5 सितंबर की हम बात करें, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है विश्व कहते हैं, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं हम, और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय की बात किया गया, लेकिन हम लोग भारत में 5 सितंबर मना लेते हैं। लेकिन अगर हम 5 अक्टूबर की बात करें, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका विश्व आवास दिवस। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए 10 जनवरी की बात किया गया है, 10 जनवरी की, और ये जो 10 जनवरी है यहाँ पे 2 दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस, 2 दिवस 10 जनवरी को। यहाँ 11 अगस्त है, यहाँ पे कोई दिवस इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, और 11 मार्च को भी कोई इंपॉर्टेंट दिवस नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? ठीक है, मैं बताना है कि विश्व खाद्य दिवस किसे मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 6 नवंबर की अगर हम बात करें, तो 6 नवंबर को कोई दिवस नहीं मनाया जाता है, लेकिन 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस सप्ताह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस सप्ताह दिवस 1 तारीख से 7 तारीख, तो हमको जानना है कि यहाँ 6 नवंबर को कोई दिवस नहीं मनाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से 16 नवंबर की अगर हम बात करें, तो 16 नवंबर को कोई दिवस नहीं मनाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपका देख रहे हैं 6 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर भी को भी कोई दिवस नहीं मनाया जाता है। लेकिन अगर हम 8 अक्टूबर की बात करते हैं, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भारत में मनाया जाता है, और 9 अक्टूबर की बात करते हैं तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब अगर हम मार्च की बात करें, तो 20 मार्च को हालांकि कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डे उस दिन को नहीं है, लेकिन अगर हम 21 मार्च की बात करें, तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जा सकता है। ठीक है, 21 मार्च को, और क्या, रंग उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं उस दिन। लेकिन अगर हम 20 दिसंबर की बात करें, तो 20 दिसंबर को कोई भी महत्वपूर्ण तिथि वैसे नहीं है। तो आगे आगे की ओर देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्च, यहाँ पे 1 मार्च छूट गया, 1 मार्च को क्या मनाते हैं? 1 मार्च को क्या मनाते हैं?
तो 1 मार्च को कोई भी महत्वपूर्ण दिवस आपका नहीं है, ठीक है। 20 दिसंबर को भी नहीं है, 1 मार्च को भी नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका 10 दिसंबर को, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। चलिए अगर हम 8 जुलाई की बात करें तो 8 जुलाई को कोई भी, सॉरी सॉरी 4 जुलाई की अगर हम बात करें, 4 जुलाई को कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 8 अगस्त है, तो 8 अगस्त को एक चीज मनाया जाता है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, यानी कि विश्व लेवल पे विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस समझ सकते हैं। 8 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस मनाया जाता है। और अगर हम अक्टूबर की महीना की बात करें तो 20 अक्टूबर को भी कोई महत्वपूर्ण डेट आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, 20 अक्टूबर को एक दिवस मनाया जाता था जिसका नाम है विश्व सांख्यिकी दिवस। हम समझ सकते हैं कि विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, तो आंसर होगा आपका 21 मार्च, 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर 8 मार्च की हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगर हम 5 जून की बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अगर हम 4 अक्टूबर की बात करें तो 4 अक्टूबर को विश्व अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 3 दिसंबर को। अगर हम 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को कोई खास दिवस नहीं है और 31 दिसंबर को भी हमारे एग्जाम पर्पज से कोई खास दिवस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 दिसंबर की बात करें तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। और 10 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को कोई खास दिन तो वैसे है नहीं हमारे इतिहास में, और 23 मई का भी हमारे इतिहास में कोई भी खास दिन नहीं है। अगर हम 24 मई की बात करें, 24 मई को मनाया जाता है और वो मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, आंसर होगा आपका 27। 14 सितंबर की बात करें तो ये भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन 8 सितंबर की अगर हम बात करें तो 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है आपका 25 नवंबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब एवं हरियाणा, ठीक है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटक, इन सब राज्यों का मनाया जाता है 1 नवंबर को दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम 16 नवंबर की बात करें तो 16 नवंबर को कोई भी विशेष दिन है नहीं, और 1 नवंबर को तो बता ही दिए कि मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ है 1 नवंबर को ही, आंध्र प्रदेश का भी हुआ है, कर्नाटक का हुआ, केरल का भी हुआ, पंजाब का हुआ और हरियाणा का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, आपको बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। तो बताइए आंसर क्या होगा। 15 मार्च, आंसर हो जाएगा आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम 18 अप्रैल की बात करें तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 27 सितंबर की बात करें तो 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर की अगर हम बात करें, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च मारना है आंसर। अगला क्वेश्चन है विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा आपका, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आगे अगर हम 16 अक्टूबर की बात करें तो 16 अक्टूबर को आपका
विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ठीक है। उसी तरह से 4 अक्टूबर को तो कोई दिवस नहीं होता है, लेकिन अगर 2 अक्टूबर का याद करें तो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मना सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर हम मार्च की बात करें 21 मार्च को, तो 21 मार्च को कोई भी मतलब 21 मार्च को एक दिवस है और वो दिवस है विश्व वानिकी दिवस, ठीक है। तो विश्व डाक दिवस की बात कर रहा था, तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 14 मई को, 14 डेजर्टिफिकेशन दिवस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून को, ठीक है। 14 अगस्त की कोई भी खास दिन नहीं होता है, ऐसे अगर पाकिस्तान आज़ाद हुआ है की बात करें तो पाकिस्तान आज़ाद आपका 14 अगस्त को हुआ है। 3 अक्टूबर भी मेरी नज़र में कोई खास डेट नहीं है, 4 मई भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यूनिसेफ दिवस के रूप में कौन सा दिवस यानी कि जो किस दिन मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर की बात करें तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम अक्टूबर महीने की बात करें, 14 अक्टूबर को तो कोई खास दिन नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम वही 16 अक्टूबर की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, हम बताए थे आपको। और अगर हम 9 अक्टूबर की बात करें तो 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को कुछ मनाया जाता था, विश्व डाक दिवस। आंसर होगा आपका 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला साक्षरता दिवस घोषित किया है, ठीक है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित किया गया, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब घोषित किया गया? तो आंसर होगा आपका 8 सितंबर को, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 18 अक्टूबर हमारे लिए नहीं है इम्पोर्टेंट, 18 सितंबर भी कोई खास दिवस नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी हो 18 सितंबर और 18 अक्टूबर, या फिर किसी भी क्वेश्चन का कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 5 अक्टूबर आंसर हो जाएगा आपका, 5 अक्टूबर को, ठीक है। 5 जून को तो पता ही होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च की अगर हम बात करें, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को। और अगर हम 21 मार्च की बात करें तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस के बारे में बताना है कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम 21 अप्रैल की बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में यानी कि हमारे 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो 21 अप्रैल को कोई खास दिवस नहीं होता, लेकिन अगर हम 22 अप्रैल की बात करते हैं तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से 25 सितंबर की बात करेंगे तो 25 सितंबर को मनाया जाता है सामाजिक न्याय दिवस, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है। और अगर हम 5 जून की बात करेंगे तो 5 जून को आपका मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन है, देखिए मैंने ये चीज़ यहाँ भी बताया, अभी यहाँ भी बता रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा एक नॉलेज आया, 25 सितंबर को, 25 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आप याद रखिएगा। और 16 सितंबर को तो बता ही दिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा 8 सितंबर, ठीक है। और 28 मार्च का कोई महत्व नहीं है, 18 सितंबर भी नहीं, 18 मार्च भी नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस तो 21 मार्च को हम लोग पढ़े थे, ठीक है।
तो आंसर होगा 21 मार्च को, पिछले दिनों में बताया गया था। अब रही बात फरवरी महीना में, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है और वो रमन प्रभाव खोज दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था, जो भी पिछले क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज करके वो एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर 7 अप्रैल की बात करेंगे तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, ठीक है। एक दिवस और मनाया जाता था, महिला चिकित्सा दिवस, 7 अप्रैल को, ठीक। और अगर हम 22 अप्रैल को बात करें तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 28 फरवरी को रमन प्रभाव वाला और विज्ञान दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 मई को, 8 मई किस रूप में मनाया जाता है, तो आंसर होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल दिवस, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करिए, अगर आप देख रहे हैं और आपको याद रह गया है तो बताइए राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है, सूर्य दिवस बताना आपको कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सूर्य दिवस जो मनाया जाता है वह 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 3 मई को सूर्य दिवस मनाया जाता है, 3 मई को, ठीक है। 7 जुलाई को, तो क्या 7 जुलाई को कोई दिवस मनाया जाता है, किसी को बताया आप लोग को, तो 7 जुलाई को तो कोई विशेष दिन नहीं होता है, जैसे 11 जुलाई की अगर बात करता है तो विश्व जनसंख्या दिवस हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ 1 जनवरी दिया गया है, 1 जनवरी को नागालैंड दिवस मनाते हैं और एक दिवस होता है जिसका नाम है आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस, ठीक है, तो वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर हम 10 अक्टूबर की बात करें तो 10 अक्टूबर को कोई भी विशेष दिन नहीं मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को कोई भी विशेष दिन नहीं मनाया जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो बताइए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंटाइन दिवस संपूर्ण संसार में किस दिन मनाया जाता है, ये आपको 14 फरवरी को मनाया जाता है, 14 फरवरी को मनाया जाता है आपका। और अगर हम 8 मार्च की बात करते हैं तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पहला ही क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे यहाँ पे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अगर हम 14 सितंबर की बात करें तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और वो भी भारत में मनाया जाता है। लेकिन हम 14 नवंबर की अगर हम बात करें तो क्या 14 नवंबर को कोई दिन होता है, बिल्कुल होता है, बाल दिवस होता है, लेकिन बाल दिवस एग्जाम में शायद नया पूछे, लेकिन एक दिवस और होता है जिसका नाम है विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और बाल दिवस जो मनाया जाता है वो जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 25 का आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का, तो आंसर क्या होगा 25 नंबर का बताइए, तो 25 का हो जाएगा आपका 31 मई, पिछले क्लास में भी ये शायद पढ़े थे हम लोग, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे है 22 मार्च को, बताइए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, पिछले क्लास में मैंने बताया, अभी जस्ट बताया, अगर आप लोग अच्छे ध्यान से देख रहे हैं तो बताइए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, और अगर नहीं बताया तो बताइए 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो हमको बताए थे, आप लोग बताइए 11 जुलाई को और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चन पिछले ऑप्शन में रिपीटेशन में कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मुझे कुछ अच्छा लगे कि हाँ चलिए कोई मेरा वीडियो देख रहा है और अच्छा लग रहा है उसे और वो जान रहा है कुछ या फिर ऐसे ही देख रहा है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, आंसर 26 नंबर का बताइए क्या आंसर मारेंगे हम लोग, विश्व जल संरक्षण तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, रमन प्रभाव और विज्ञान दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, देखिए यहाँ पे दिया था मैंने, यहाँ बता दिया। 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है, सी नंबर, 5 जून को क्या मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग जानते तो बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है 27 नंबर, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है, तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है।
तो आंसर क्या होना चाहिए, 27 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए लास्ट लास्ट में। अब आप लोग कुछ बताइए, ठीक है। तो 5 अक्टूबर होना चाहिए, ठीक है। फिर भी देखिए विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, ठीक। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है आप लोग बताएंगे, 14 सितंबर को क्या मनाता है, 9 अक्टूबर को मनाता है, मैंने आप लोगों को बता चुका है, आप लोग की पारी अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में मनाने की निर्णय कहाँ पर लिया गया था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 19 नवंबर को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम लास्ट क्वेश्चन देख लें, लास्ट मतलब आज टाइप 1 ही रखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, और 30 के बाद 31 से 60 क्वेश्चन है, आधा टाइप 1 मतलब पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में आधा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर दिवस, ठीक है। अगर आप लोग को इन लोग के बारे में, ऐसे इन लोग की कोई मतलब इस ऑप्शन का कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है, नहीं रहे, और अगर आप लोग के नज़र में कोई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं 31 से लेके 60 तक, ठीक है। नमस्कार और धन्यवाद।